don't know what to say. It's very difficult. Good morning, OMG family. सुबह से आज बहुत सारे काम. आज सबसे पहले तो फूडी वी की वीडियो बननी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है मेरा कमरा साफ. मेरे कमरे की इतनी बुरी हालत रखी है, मैं काफ़ी टाइम से सोची मैं साफ करूँगी. सो आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं अपना कमरा साफ करने वाली हूँ. बाल मुझे अपने बड़े ऑयली से लग रहे हैं, तो मैं सोची कि इनका भी कुछ करना पड़ेगा. पर ये है कि मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं सारा काम करने के लिए. फटाफट अपनी चाय पी के वॉशरूम जाके मैं काम पे लगने वाली हूँ. कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए, स्पेशली शुगर वाले के लिए बहुत अच्छी है. अगर आपको वेट लूज करना है, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है, तो आई हैव इट ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे. चलो चलो, तैतू कहाँ जा रहे हो? पोती करने जाना है, पोती करने जाना है. ओ ओ ओ, गुम्मी 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 गुम्मी. डिड टैटू नो? ये है पापा का बिगड़ा हुआ कुत्ता. रिश्वत में क्या मिलेगा? ये देखो, इसकी फेवरेट स्कूबी. काफी लोगों को ये लगता है कि इसका नाम है स्कूबी. इसका नाम है टेडी. स्कूबी बेसिकली इसका बिस्किट का नाम है जो कि इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है. बेसिकली इसको स्कूबी बोलो तो ये भागा भागा चलाता है, क्योंकि ये है हमारा भूखा फूडी कुत्ता. इधर आ, इधर आता नहीं आता. इधर इधर. अभी टेडी छुपा हुआ है ना, अभी देखने कैसे बाहर निकलेगा. स्कूबी के नाम पे तो ये कहीं पे भी भागा चलाएगा. टेडू ये क्या है? मेरा हाथ खा गया. आ गया ना. टेडी को पॉटी कराने के बाद बारी आ चुकी है मेरे कमरे की. अगर आपको अपने कमरे का दौरा कराऊंगी ना, तो आपको दौरा पड़ सकता है. इतना गंदा कमरा है, कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक कुछ भी साफ सुथरा नहीं है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कमरा साफ करना कहाँ से शुरू करूँ. लेट्स डू वन थिंग, मैं बेड से शुरू करती हूँ, बिकॉज बेड साफ सुथरा होगा तो नींद अच्छी आती है. अदरवाइज मैं सारा सामान लेफ्ट साइड पे करके राइट साइड पे सो जाती हूँ. मुझे याद आ जाता है कि मैंने ये पजामे क्यों खरीदे थे. गाइस, मैंने ये ऐसे 3-4 पजामे खरीदे थे बिकॉज मुझे करनी थी डांस क्लासेस ज्वाइन. मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे टाइम नहीं मिला. उसके बाद माय दादी माँ पास्ड अवे, तो उसमें मुझे वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा था. डांस क्लासेस तो दूर की बात है. तो आई होप कि ये पजामे मैं जल्दी पहनूं और कब मैं अपनी डांस क्लासेस ज्वाइन करूंगी. बेडशीट चेंज करने वाली है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये 10 साल से ये बेडशीट बिछी हुई है. ऐसे नहीं जाएगा वो चलो. अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, भूख लग रही है बहुत जोर से. जब तक मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होती ना, मतलब एनर्जी की बात नहीं है, जब तक मेरे पेट में कुछ जाता नहीं ना, तब तक मेरा कुछ करने का मन नहीं करता. और मैं खाली पेट बहुत ही इरिटेटिंग फील करती हूँ. तो इट्स बेटर मैं अपने आप को पहले शांत कर लूँ, कुछ खा लूँ. और मेरी शक्ल कैसे लग रही है, कौए जैसी. आज हम ब्रेड ऑमलेट खाएंगे. मम्मी क्यों नहीं खाएंगे? अमावस. आज अमावस है तो जिसकी वजह से आज एग नहीं बनेगा घर में. आज हम खाएंगे पनीर, पनीर सैंडविच. साथ में मैं ले रही हूँ दूध. और मैं इसे चाहने पर मुझे मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है. आदि उठ जा, आज हमने फूड वी की वीडियो बना ली है. उठ रहा हूँ. मुझे रोशनी पसंद है. हम अपने रूम चेंज क्यों नहीं कर लेते? मुझे तेरा कमरा नहीं पसंद. मुझे अपना खुद का कमरा नहीं पसंद. तब तो ज्यादातर इधर रहती हूँ. चलो यार, अभी खा पी के फिर से मुझे अपना कमरा सेट करना. जाके देख कितना अच्छा बेड कर दिया मैंने अपना. बहुत अच्छी बात है. अभी देख पूरी साफ सफाई करूंगी, सारा कुछ मैंने सेट कर देना. वैसे ना काफी लोग सोचेंगे इतना गंद पड़ा कैसे है. सबसे पहला पॉइंट रीजन कि जब भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ, इतना आलस आता है कि कपड़ों की तह नहीं लगानी या धोने वाले कपड़े धोने में रखने, सब बेड पे. सोचती हूँ कल करूंगी, फिर अगले दिन सोचती हूँ कल करूंगी, फिर अगले दिन सोचती हूँ कल करूंगी, और वो कल ही नहीं आता है. दूसरा रीजन, जैसे कि आप सब जानते हो, ओम धातु का काम शुरू होने वाला है, जो कि हमारी एक आयुर्वेदिक कंपनी जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं जिसके, उसकी वजह से मेरे कमरे में इतना गंदा मतलब कोई भी रॉ मटेरियल आता है वो किसके कमरे में जाएगा? मेरे कमरे में. भाई खाना संपूर्ण करने के बाद हमारी बारी जो है कमरा सेट करने की. अभी कमरा सेट करूंगी. 10:30 हो गया. कितनी देर से क्या कर रही थी? कमरा सेट कर रही थी. जो अभी हुआ नहीं? नहीं, अभी सिर्फ बेड सेट किया, कपड़ों की तह लगाई है, अपने सोने के लिए जगह आसन तैयार किया मैंने अपना. अब मैं आस पास का माहौल साफ करूंगी. बहुत काम पड़े आदि. चलो भाई सफाई पे जुट जाओ.
गौर से देखो इस सड़े चेहरे को। आदित्य तू यहाँ पे लेटा हुआ अच्छा लग रहा है, तू बेड पे क्यों सोता है, इधर ही सोया कर। मेरी चप्पल अंदर चली गई, तूने पैर मारा मेरी चप्पल को तब अंदर चली गई बेड के। वो मैं तेरे को पैर मारू तो तू भी बेड के नीचे चला जाएगा। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा साइज बड़ा है, मेरे से तो छोटा है। चप्पल कैसे निकालू मैं, नहा ले। नहा नहीं जा रहा हूँ, 26 दिन हो गए तेरे को नहाए को। कल नहाया था मैं। गर्मियों के कपड़े पड़े है मसाज, तू हर दिन ही मसाज कराते रहते कभी मुझसे कभी मम्मा से। यार डैंड्रफ ज्यादा हो गया, मैं सिर पे दही और नींबू लगा रहा हूँ। ज्यादा केयरिंग हो गया नीम पे चढ़ी हुई ग्लोए, बी वैक्स, अन्य प्रकार के महंगे महंगे फूल और गूगल जिसके की बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। तो पता नहीं ऐसी और कितनी सारी चीजें पड़ी है हमारे मेरे इस कमरे के अंदर अंदर। और ये मेरे कपड़े जो कि मैंने शॉपिंग की थी बिकॉज हमारा दुबई जाने का प्लान बन रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन। लिफाफे में जाएगा सारा का सारा पूरा। भाई साहब 11:15 हो चुके हैं, इससे पहले ओंकार आया और वो डांटे की तू क्या नहीं हो रखी। व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं ये काम बीच में छोड़ के पहले अपने सिर पे कुछ लगा लूँ और मैं लगाऊंगी अपने सिर पे लस्सी, क्योंकि आदित्य को देख के मुझे याद आया कि भी मुझे भी अपने सिर धोने हैं, बाल धोने, नहाना धोना है, तो पहले मैं वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं बाद में अपना कमरा सेट करूंगी। तो सबसे पहले लगाते हैं अपने सिर पे कुछ बढ़िया सा सो दैट बाल हो जाए एकदम चकाचौंध। तिल लस्सी लगा दो काले काले होंठों वाले कुत्तू, काले काले होंठों वाले, काले काले नोजी वाले कुकू, काले काले नोजी वाले, काले काले लिप्पू। चलो हम थोड़ी देर बाद अपने बाल लेंगे धो, तब तक बैक टू वर्क। ये दादी का नींबू लाइसर और उनकी दवाइयाँ, ग्रैंडमा जस्ट पास्ड अवे फ्यू डेज बैक, लाइक इट मस्ट बी लाइक 25 डेज। एक मील मेरे साथ करना, मेरे साथ सोना, आई वॉज वेरी अटैच टू हर। आई जस्ट ट्राई कि हम, बिकॉज हमारा काम इतना ज़्यादा रहता है लाइक फूडी वी की वीडियोज़ बनाना, अपनी खुद की चैनल के लिए वीडियोज़ बनाना, तो वी स्टे बिजी। बट जब आप रात को सो रहे होते हो, वेन यू हैव नथिंग टू डू एंड यू जस्ट, आपके दिमाग में आता है वो दादी, देन यू लाइक दादी इज़ नो मोर। अब आपको उनकी बातें, इट्स लाइक कि आपको कोई डांट क्यों नहीं रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, सो आई डोंट नो व्हाट टू से। बचपन से उनके साथ सोई हूँ, तो जिस दिन शी पास्ड अवे उसके अगले दिन उनका होना था क्रिमेशन वगैरह, तो लास्ट डे जब उनकी डेड बॉडी पड़ी थी रूम में, आई वॉज स्लीपिंग जस्ट नेक्स्ट टू हर, आई वॉज लाइक एटलीस्ट दिस इज माई लास्ट डे जब मैं उनके साथ हूँ, तो इट वॉज आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए मुझे, बट आई जस्ट होप वो जहाँ पे भी हूँ शी जस्ट स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरा कमरा हो चुका है सेट। आई नो कि इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट टॉलरेबल हो गया। अगर कोई इंसान मेरे कमरे में एंटर करता है तो मेरी मम्मी को शर्म नहीं आएगी ये बोलते हुए कि मेरी लड़की का कमरा है। तो थोड़ी साफ सफाई मैंने कर दी है, बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करने वाली पड़ी है अभी, बट वो मैं किसी और दिन करूँगी। मेरा अभी मकसद था कि थोड़ा नीट एंड क्लीन सा कर दूँ, कपड़े वपड़े सेट कर दूँ, ये चीज़ें थोड़ी सॉर्ट कर दूँ। अब मुझे पता है कि मेरा कौन कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। इससे पहले ओंकार आए और मुझे गालियाँ पड़े, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ, मुझे हेड वॉश भी करना है। फूडी वी की वीडियो बननी है, तो एक बार मैं आदित्य से स्टेटस पूछ लेती हूँ कि भाई कमरे का क्या हाल चाल है। आदित्य कमरा हो गया सेट, क्या बात है। किसी की ना एहसान और मदद की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं बोल के थक गया, मेरे साथ कमरा करा दे। नहीं यार, लोगों से पूछ मैंने कितना काम किया आज, तू वीडियो देखेगा तो पता चलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी एलोवेरा जेल, वैसलीन, हेयर सीरम। कौन है
ये देखो चोर घुसा है हमारे घर में। भाई साहब कैमरा ऑन करके रहती है कि दुनिया, मतलब माना कि व्लॉगर बन गए हो ये तो जो मतलब 24/7 कैमरा। दादू ज्यादा सुधरने की जरूरत नहीं है। तू ये मुझे ज्यादा प्यार करता है मुक्ति उड़ो से, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और एक चीज नोटिस कर रहे हो, वो कार चैंपियन क्या पी रहा है? लाइक मैंने वीडियो में रिकमेंड किया था कि ये अच्छी है और खुद अभी आते वक्त ना मैंने सोचा यार स्वाद थी, एक बारी फिर से पी लेते हैं। वीडियो मैंने भी पूरी देखी है और उसमें ओंकार ने ये बोला है कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मैं ये लूंगा। क्या तुम्हारा आज बर्थडे? मेरा ऑलमोस्ट बर्थडे मंथ तो चल ही रहा है और बर्थडे वीक भी स्टार्ट होने वाला है। मतलब गाइस हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कर दो क्योंकि मेरा जल्दी बर्थडे आने वाला है यार। मैं बिल्कुल तैयार हूं, कार आ चुका है। आदित्य इधर हमारे लिए बना रहा है ब्लैक कॉफी के शॉट्स होते हैं, हम फूडी वी की वीडियो अच्छे से बना सके। मैं तोती हो जाती बीच में तो आपको मिलती हूं फूडी वी की वीडियो के बाद। बज गए 6, अब जाके हमारा फूडी वी की वीडियो पूरी हुई है। एंड अभी आदित्य जिम वर्कआउट, देखो भाई मेरा तो वर्कआउट जाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि 7 घंटे से शूट चल रहा था, अभी घर जाके फिर एडिटिंग करनी है। नहीं वर्कआउट में बाहर आ गया तो ग्रोसरी वाले तो भगाती बहुत है, साले कहते हैं कम ऑन कम ऑन। ये हमारे कम ऑन ही नहीं होता। मतलब मैं जाने के बारे में थोड़ा सा सोच रहा था, मैंने मन बना लिया था जाने का, पर तेरी बात मुझे सच्ची अच्छी लगी। मतलब ये बात तो सही है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आदित्य का बहाना बहुत बढ़िया है। हां बढ़िया है। टेडी एक्चुअली स्नैकिंग में खाता है रस। रस ले, ये तेरे को किसने रस दिया? ये नहीं खाना। मेरा पोचू नहीं चोरी करती, मैं तेरा रसू नहीं चोरी करती, तेरा रसू। और मेरे भूखे नंगू कुत्तू, देखो कौन रस देता है। और ओ पापा नहीं खा रही। अरे रब्बा कुछ नहीं हो सकता इसका। एक्चुअली मम्मी पापा गए हुए हैं बाहर गाँव और उनको फोन करके पूछना पड़ेगा कि उनका क्या प्रोग्राम है। अगर मम्मा ने कुछ बोला खाना वाना बनाने के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। किचन में चल रहा है काम और हम किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते हैं बिकॉज 7 बजने वाले हैं। मेरी क्लास ऑलमोस्ट हमारी मिस ही हो गई है और अभी मम्मी पापा भी आने वाले होंगे तो उनके आने पर ही हम घर से बाहर जा सकते हैं। और तुम्हारा कैंसिल हो ही चुका है, मतलब कोई चांस ही नहीं जाने का, तो हम जाएंगे वॉक पे। तू कहाँ भागता जा रहा है? मेरे लिए ग्रीन टी बना दे। है? मेरे को वॉक पे जाने से पहले खाना पचाना है। देखा बेचारा मुझे मैंने वो बर्गर खा लिया ने, बहुत ज्यादा। फूडी वी की वीडियो बनाने के बाद ना सीरियसली ऐसा होता है, मतलब आधे से ज्यादा पेट हमारा उसी की वजह से भरता है। एक्चुअली होता पता क्या है, इतना हम खाते नहीं है, अगर हम अवॉइड भी करते खाना, बट छोटे छोटे चंक्स में खाने से ना आपका पेट जल्दी भरता है, जल्दी भर जाता है, आपका भरा हुआ है, यू फील फुल। अभी हो सकता है 1 घंटे बाद भूख लग जाए, बट अभी ऐसा लग रहा है कि अजीब सा। तो वर्कआउट क्लास हमारी हो नहीं सकती है, साथ क्लास तो नहीं जा सकते, वॉक पे जाएंगे और लंबी वॉक पे जाएंगे। काम भी हो रहा है ना किचन में, काम हो रहा है, लंबी वॉक पे जाएंगे। और उससे पहले ग्रीन टी बना दे बढ़िया सी, ग्रीन टी पियेंगे फिर चलेंगे। What would you like to have? Green tea? Blue tea लेंगे, कल मैंने red tea पी थी। हाँ तो आज blue tea पियेंगे। चलो नींबू चाहिए? नींबू हाँ चाहिए, क्यों नहीं, तूने डाला नहीं? नहीं तभी तो पर्पल नहीं हुआ कलर, रंग बदलती है चाहिए, ब्लू से होगी तेरी रंग बदलू। चल मैं अपनी चाय पी लूँ। ये चाय अपना रंग बदल लेती है, ये देखो ऊपर पर्पल नीचे देखो ब्लू, ये सारा पर्पल हो जाएगा। जब तक मैं चाय नहीं पीती ना मुझे सीरियसली चाय नहीं आता। कुछ ग्रीन टी है, चाहे ब्लू टी है, चाहे ये रेड टी है, मैं कुछ ना कुछ जरूर लेती हूँ। That makes me happy and थोड़ा सा healthy भी feel होता है because it somewhere increase your metabolism and it's this one blue tea is very good for your libido. If you don't know what's libido, then you can search on Google. लो जी मम्मी पापा आ गए और टैडी की पूंछ नहीं शुरू हो गई। हे भगवान मैं तो अच्छा दरवाजा खोल रहा। Scooby! Yay! Oh, टैडी तेरे एक हाथ को क्या हो गया? चलो अंदर, चलो चलो अंदर, स्कूबी अंदर मिलती है ना। हे भगवान, अच्छा स्कूबी स्कूबी अच्छा अच्छा चलो। हाँ हाँ इन्वेस्टिगेशन करो, घर पे कोई भी चीज आती है तो टेडी हर एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है ना टेडू, तेरे लिए तो आता है सारा सामान। चलो ठीक है मम्मा हम जा रहे हैं। हाँ मैं तसल्ली से बैठ के खाऊंगी, गांव से आई है गुड़ की खीर, आई लव इट। खाना बना खा लिया है, जूते वूते उतार के आराम से हम थोड़ा बैठेंगे।
अब हम करेंगे वीडियो एडिट, और उससे पहले सोने से पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी चीज़ है वो है मुंह को क्लीन करना, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना भूलूँ। ये है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। मैं करूँगी ये वाला व्लॉग एडिट, ऑब्वियसली मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है जो कि है मुक्ति गौतम फिटनेस वाला चैनल, तो उसके लिए मैं भी बनाऊँगी स्क्रिप्ट, एंड मेरा काम धंधे तो ख़त्म होने नहीं वाले हैं। तो इसी के साथ मैं करने वाली हूँ आप सबको गुड बाय, गुड नाइट, और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।